आप सभी को मेरा नमस्कार। यूँ तो पेट के सारे ऑपरेशंस बहुत चैलेंजिंग होते हैं, पर कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनकी बात बाकी सारे ऑपरेशन से अलग होती है। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक ऑपरेशन की जिसको हम अपनी सर्जिकल भाषा में विपल्स ऑपरेशन बोलते हैं। ये वो ऑपरेशन है जो बाकियों से इसलिए अलग है क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इस ऑपरेशन में पेशेंट के लिए रिस्क ज़्यादा है, इसको करने के लिए एक किस्म की स्पेसिफिक किस्म की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, एक अच्छे एनेस्थीजिया टीम की ज़रूरत होती है, एक बहुत ही अच्छे आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है, और सारे सर्जिकल स्टाफ जो एक सर्टन एक एवरेज स्टाफ से कहीं डिफरेंट, एक डेडिकेटेड सर्जिकल टीम की प्रेजेंस और उनके सपोर्ट से ही ऑपरेशन हो सकता है। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को करने में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ये वो ऑपरेशन है जो किया जाता है एक उन ट्यूमर्स के लिए जो होते हैं पैनक्रियाज में, बाइल डक्ट में, पैनक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक करने वाले ट्यूमर्स, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडनम के एम्पुला पे जो ट्यूमर्स होते हैं, उनको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो हमें इस बड़े ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेशन इसलिए बड़ा है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑर्गन नहीं निकाला जाता, इसमें साथ में तीन चार ऑर्गन्स निकलते हैं, जैसे स्टमक है, पैनक्रियाज का थोड़ा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट, लिवर से आने वाली नस जिसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं उसको निकालना पड़ता है। तो जब इतनी सारी चीज़ों को निकालेंगे तो इन सारी चीज़ों को दोबारा से आपस में जोड़ना भी पड़ता है। यही रीज़न है कि ये ऑपरेशन टाइम लगता है, इसमें 7 से 8 घंटे, 6 घंटे इतना टाइम लग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना बड़ा ट्यूमर है, किस जगह पे लोकेटेड है और अंदर एनाटॉमिकल वेरिएशंस क्या हैं, कितना इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। और हम इसका रिकंस्ट्रक्शन जो करते हैं, जो नए रास्ते बनाते हैं, वो किस टेक्निक से बना रहे हैं, तो ये सारे चैलेंजेस करके ये ऑपरेशन अपने आप में मुश्किल होता है। लेकिन जब भी ऐसा कोई एक भी ऑपरेशन हो जाए और पेशेंट ठीक हो जाए तो हमें खुशी बहुत होती है क्योंकि पेशेंट के लिए एक न्यू लाइफ है। मैंने बोला इस ऑपरेशन में रिस्क है लेकिन इसका रिवॉर्ड भी है। अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो ये ऑपरेशन मेजॉरिटी पेशेंट्स में, अगर अर्ली कैंसर या अर्ली ट्यूमर डिटेक्शन हो जाए, तो ये ऑपरेशन अपने आप में एक क्यूरेटिव ऑपरेशन है जो एक नई लाइफ देता है पेशेंट को। आज हम देख रहे हैं हमारे एक रिसेंटली जिसको हमने ऑपरेट किया, एक उस पेशेंट की स्टोरी जिसमें उसने हिम्मत दिखाई, बिल्कुल नहीं डरा और इस ऑपरेशन को कराया, और भगवान की दया से आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है। मैं सुखविंदर सिंह दराहा से, मैं काफ़ी समय से परेशान था, मुझे ब्लैक स्टूल आ रहे थे, तो मैं डॉक्टर मोदी सी से मिला तो उन्होंने मेरा चेकअप किया तो पता चला कि मुझे पैनक्रिया के पास ट्यूमर है। तो उन्होंने 10 दिन के बाद मुझे सारे चेकअप करने के बाद सर्जरी का टाइम दिया और उन्होंने बताया कि आपकी सर्जरी जो है काफ़ी मेजर है। तो मैं डरा नहीं, मैंने सामना किया उस डर का, उनके हौसले और मेरे हौसले से सर्जरी सक्सेसफुल रही और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे फादर हैं, इनको काफ़ी समय पहले स्टूल में ब्लड की शिकायत थी, तो हमने डॉक्टर जी से बात की तो उन्होंने टेस्ट वगैरह किए तो उसमें पता चला कि इनको पैनक्रियाटिक ट्यूमर है जिसकी सर्जरी होनी थी। तो डॉक्टर जी ने बताया कि सर्जरी काफ़ी मेजर है। मैं आपको पहली बार मिला था। हाय सर। तो मुझे हैरानी हुई थी इस बात से कि आपने इतने बड़े ऑपरेशन के लिए तुरंत हाँ कर दी थी, आपने हिम्मत बहुत दिखाई थी, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इतना बड़ा ऑपरेशन होने के बाद भी आप बिल्कुल डरे नहीं और आईसीयू में इतने दिन रहे, लेकिन आपने हिम्मत से काम दिखाया और आज आप बिल्कुल ठीक हो। इसके कारण मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता था, पहले मैं आपको दिखाया नहीं रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था शायद आप डर जाओगे, लेकिन आपकी हिम्मत पे अब मुझे भरोसा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये वो है ट्यूमर जिसके पीछे हम परेशान हो रहे थे। ये मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ सुखचिंदर जी को, ये है ट्यूमर जिसने आपको परेशान किया था। अब आप ठीक रहोगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपकी फैमिली का, पर्टिकुलरली आपकी वाइफ, आपके बेटे, जिन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई और बहुत कोऑपरेटिव थे पूरे इलाज के दौरान। इन्होंने हमेशा हम पे और हमारी टीम पे विश्वास बना के रखा, जो हमें एक स्ट्रेंथ और एनर्जी प्रोवाइड करती है।
हमारी आईसीयू की टीम, हमारे बेहोशी के डॉक्टर्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जो डॉक्टर्स हैं और जो हमारी नर्सिंग केयर है, इसने सब ने बहुत मेहनत की और मैं हर किसी का थैंक्स करना चाहता हूँ।